हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त अहमद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक मिक्स टेक। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुआ हूं क्योंकि पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कंप्यूटर के फुल टॉपिक्स को डिफाइन किया हुआ है। आप चाहें तो उस पिछले वाले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, उसमें से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 8 है, तो 8 के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आज व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो उसकी मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आपको इजी से समझ में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक प्रोग्राम्स का मजमू होता है विच इज़ मैनेज टू ऑल द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये कंप्यूटर के बहुत सारे रिसोर्स जो होते हैं ये सारे सिस्टम में काम करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। अब इंटरमीडिएट जो होता है इसमें से ये बीच में काम करता है किसमें, हार्डवेयर और यूज़र जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़र उसको कहते हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, ये रही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखते हैं सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखवा है। फर्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है शेड्यूलिंग होती है, ये मेंटेन करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को। और उसमें ये भी होती है कि मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से ये सर अंजाम दे रहा है मेमोरी मैनेजमेंट को। और इसमें जो है होता है सिक्योरिटी होती है और उसमें से इंटरफेस विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेस होते हैं वो बहुत डिफरेंस होते हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो इस वजह से इसका इंटरफेस भी अलग होता है। और उसके बाद होता है डिवाइस मैनेजमेंट। अगर डिवाइस मैनेजमेंट को ये कैसे करता है क्योंकि आपके सिस्टम में से जो हार्ड डिस्क या कुछ और डिवाइस लगी होती है ये इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है। और उसके हिसाब से फाइल मैनेजमेंट होता है क्योंकि बहुत सारे फाइल्स आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो उसके भी ये मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दरअसल कंप्यूटर को चलाने वाला, जिसे हम विंडोज़ भी कहते हैं। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ, उसके टाइप्स जो होते हैं, नंबर 1 पे होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं। अब इसका एडवांटेजेस देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस को भी हम डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा कंप्यूटर का एडवांटेजेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ GUI इंटरफेस फॉर द यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ द मेन्यू आइकॉन्स एंड बटन्स। अब ये जो प्रोवाइड करता है GUI यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं पहले वाले टाइम में तो विंडोज़ 10 यानी कि फर्स्ट में थी उसका कुछ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन टाइम था। तो आजकल ये कंप्यूटर यानी कि यूज़र को जो GUI पेश करता है उस हिसाब से बहुत सारे आइकॉन्स मेन्यूज़ आपको बटन्स मिल रहे हैं कंप्यूटर में। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे जाएंगे किसी भी प्रोग्राम या आइकॉन को आप क्लिक करेंगे तो आसानी से वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कुछ चीज़ नहीं थी। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलो अस टू शेयरिंग द रिसोर्स विथ अदर यूज़र्स। अब ये हमें ये इस तरीके से भी अलो करता है, रिसोर्स जो अपने होते हैं वो बहुत सारे हम शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे यूज़र्स को अपने कंप्यूटर में से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब आप इसमें देख सकते हैं नंबर 4 पे इट हेल्प्स यूज़र टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। अब ये बहुत आसानी से कंप्यूटर को जो भी फंक्शंस होते हैं वो यूज़र्स को समझ में आ जाते हैं। अब के विंडोज़ में यानी कि आपका जो GUI इंटरफेस होता है यूज़र्स के लिए उसमें से इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। अब ये बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं हम। इट कैन बी ईज़िली अपडेटेड, ये और ये आसानी से अपडेट हो जाता है सिस्टम। और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अब इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड देन विल बी अफेक्टेड इंटीरियर सिस्टम द कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट वर्क। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये करप्ट अगर हो जाए तो आपके इफेक्ट सिस्टम में हो जाता है और ये आप मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर सकते अपने सिस्टम में से। सेकंड जो होता है उसमें ओनली सम टास्क रन एट टाइम। अब ये उतना ही काम कर सकता है जितने आप उसको टास्क दे सकते हैं यानी कि एंड टाइम में वो काम कर सकता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स द एंड
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी से चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस को इस तरह के मैं समझाता रहूं और आपको कंप्यूटर के हवाले से जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, करते कि ऐसे ही हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।